हेलो दोस्तों मैं हूँ रेणुका डोरा और आज आपके साथ शेयर करूँगी बड़ा और मटर की सब्जी है ये तो बड़ा बड़ा की रेसिपी मैं कल की वीडियो में डालूँगी आज मैं मटर कैसे बनाई हूँ मटर की सब्ज़ी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो बड़ा के साथ मटर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्ट टेस्टफुल लगता है खाने में बहुत ही गजब की रेसिपी है बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी रेसिपी है तो सबसे पहले हम मटर को इस तरह से भिंगो के रख देंगे रात को अगर हमें सुबह बनाना है तो उसके बाद इसको अच्छी तरह से धो के हम कुकर में डालेंगे और इतना पानी डालेंगे जितना कि वो पक जाए उन मटर को डूबने तक ही हम पानी डालेंगे और एक आलू यहाँ डाल दिए हैं और इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और ढक्कन लगा के हम दो तीन सीटी इसका लगा देंगे जब तक ये सीटी लगता है तब तक, तक हम ये दूसरी कढ़ाई में हम सरसों तेल डाल दिए हैं गर्म होने के लिए जब ये गर्म हो गया है तो एक चम्मच हम जीरा डाल दिए हैं जीरा डालने के बाद यहाँ पे दो बड़े प्याज में बारीक काटी कटी हुई डाल दी हूँ और इसे मैं चलाते रहूँगी जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है ब्राउन हो गया है और यहाँ में कुकर सीटी तीन सीटी लग गया है यहाँ पर उसे ठंडा होने के लिए मैं रख दी हूँ अब यहाँ देखिए यहाँ हरी मिर्ची डाल रही हूँ जितना आपको तीखा खाना है उतना आप इसमें डालिए मिर्ची मैं इसमें लाल मिर्ची भी पाउडर यूज़ करूँगी तो देखिए कितना ब्राउन हो चुका है प्याज अभी यहाँ पे हम एक चम्मच के करीब यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाले हैं और इनको भी हम भूनते रहेंगे प्याज के साथ में अभी हम टमाटर डालेंगे और टमाटर में यहाँ पर एक बड़ी वाली टमाटर ली हूँ उसे भी बारीक काट ली हूँ और इसमें डाल दी सबको अच्छी तरह से हम भून लेंगे अभी यहाँ थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि यहाँ टमाटर गल जाए जल्दी से गल जाए तो यहाँ पे हम नमक डालेंगे नमक हम मटर में भी डाले हैं तो ध्यान रख के हम डालेंगे मटर नमक और यहाँ पे हम मसाला डाल रहे हैं जैसे यहाँ हल्दी डाली हूँ हल्दी पाउडर उसके बाद यहाँ पे एक चम्मच के करीब में यहाँ पे धनिया धनिया पाउडर डाली हूँ और लाल मिर्ची पाउडर मैं थोड़ा सा डाली हूँ क्योंकि यहाँ मैं हरी मिर्ची का यूज़ कर रही हूँ ज़्यादा तीखे नहीं खाते हैं इसलिए हम कम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम जीरा पाउडर डाल रहे हैं आधा चम्मच के करीब यहाँ पे सबको अच्छी तरह से हम भूनेंगे और थोड़ा ढक्कन लगा देंगे पाँच मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए तो देखिए यहाँ टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है अब यहाँ पे जो मटर और आलू को बॉयल किए थे इसको हम डाल दिए साथ में तो हमें थोड़ा सा मटर गला ही अच्छा लगता है अगर आपको थोड़ा गोटा गोटा मतलब दिखना चाहते हैं तो आप कम सिटी लगा सकते हैं तो देखिए यहाँ पे फिर आलू को भी है। इसी में हम तोड़ देंगे मसल देंगे इसी में हम और ये देखिए बन के रेडी है दोस्तों थोड़ा पाँच मिनट इसे हम इसी तरह से पकने देंगे वीडियो कैसा लगा दोस्तों अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना चैनल पे नहीं हो तो बेल आइकन के साथ प्रेस करना ताकि न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए तो दोस्तों इस तरह से हम ढक्कन लगा के पाँच मिनट के लिए इसे हम पकने देंगे उसके बाद हम सर्व करेंगे सर्व कैसे करते हैं हम आपको दिखाएँगे इसके साथ बड़ा बहुत अच्छा लगता है उड़द दाल की बड़ा जब भी आप उड़ा डाल के बड़ा बनाते हो तो मटर की सब्ज़ी ज़रूर बनाना एक बार ज़रूर ट्राई करना बहुत ही टेस्टी और गजब की रेसिपी है बहुत ही स्वादिष्ट इसमें जितने कच्चे प्याज को मैं बारीक काट ली थी इसमें हम डाल दिए हैं ऊपर से सर्व करने के समय अब यहाँ से बारीक कटी हुई टमाटर ऐड कर रहे हैं देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में धनिया पत्ता है तो आप इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं और पनीर पनीर के टुकड़े को मैं थोड़ा सा लेके फ्राई कर ली थी तेल में और इसे भी हम ऊपर से डाल दे रहे हैं पनीर है ये ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो नहीं तो नहीं भी इसे थोड़ा सा तेल में हम भून लिए थे तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ना कितना टेस्टी कितना यमी बना है कितना अच्छा लग रहा है देखने में बड़ा के साथ हम इसे सर्व किए हैं तो बड़ा मैं कल के रेसिपी में ज़रूर बताऊँगी मेरे अगला वीडियो रहेगा बड़ा और आप इसे ध्यान से जरूर देखना मैं कैसे बनाई हूँ मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए बाय बाय टेक केयर